जिस खेत में कल खूनी खेल खेला गया, जो खेत कल गोलियों की गूंज से दहल उठा, उसमें आज भारी तनाव है। यूपी के बलिया के दुर्जनपुर गांव के हर शख्स के जहन में कल की तस्वीरें कौंद रही हैं। लोगों में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में हिंसा का तांडव हुआ। ये गांव का वही स्थान है जहां पर कल ये फायरिंग हुई थी और यहीं पे कल उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अब अभी अभी कुछ देर पहले यहां पर उसकी डेड बॉडी को लाया गया है। लगातार परिवार में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की उसको लेकर के वो अब इतने ज़्यादा नाराज़ है कि प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। DM यहाँ पर मौजूद है, SP यहाँ पर मौजूद है और तमाम पुलिस महकमा उन्हें समझाने में लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो स्थिति ना आती। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा काफी प्रश्रय उसको मिल रहा था जो अपराधी था, और उन्हीं के प्रश्रय के बदौलत प्रशासन जो है निष्क्रिय हो गई और उसी के चलते ये घटना घटा है। कल उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ के विधायक का है जी। कल रात मीटिंग होने से पहले, कोटे के दुकान की मीटिंग होने से पहले, कुछ दबंग किस्म के लोग जिसमें कातिल भी है उसके नेतृत्व में गांव में घूम घूम करके औरतों को धमकाया गया। हम लोग कहे कि नहीं, ये आउंटन पूरी होनी चाहिए, ठीक। तो उन लोग के पास तो कुछ सबूत था नहीं, ठीक। तो वो उसको कैसे धीरेन्द्र सिंह जो है W सिंह, वो उसको रिजेक्ट कराने के लिए वीडियो पे DM पे दबाव डालने लगा। आपके सामने वो फरार हुए, क्या आपने देखा है? कैमरे में भी उनकी तस्वीर सामने आई है, क्या वो वहाँ से भागते हुए दिखाई दिए थे? जी, पहले तो कुछ पुलिस वाले उनको पकड़े और पकड़ करके कुछ दूर ले गए, और ले जाने के बाद जो है उनको छोड़ दिए। ये दो तस्वीरें देखिए, कल यही गोली कांड हुआ था, यही इसी खेत में लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, आज उसी खेत में लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भारी संख्या में गांव के लोग जमा हैं, तनाव है, इसीलिए पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात है। जहां वारदात हुई उससे 150 मीटर की दूरी पर ही मृतक का घर है। DM यहां पर डैमेज कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं, और हमसे भी उन्होंने बातचीत में बात कही है कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होगा, लेकिन जिस तरीके का रवैया यहां हमें दिखाई दे रहा है उससे लगता नहीं है कि क्या कोई वाकई में बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। या अब देखना होगा कि आगे क्या प्रशासन का रवैया होगा, क्योंकि अगर गाँव के हालात की बात करें तो वो लगातार नाराज़ हैं। जो डेड बॉडी है वो यहाँ से 100 मीटर दूर है, आंगन में रखी हुई है, लेकिन परिवार वालों में रोष है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम क्रियाकर्म के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। गांव में पुलिस मार्च कर रही है, फिर कोई अनहोनी ना हो इसके लिए बड़ी तैनाती है। SP देवेंद्र नाथ और DM हरि प्रताप शाही ने गाँव का दौरा किया, दोनों ने पुलिस की गलती मानी और गाँव वालों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जी, गिरफ्तारी 7 लोगों की हो चुकी है, 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात लोग हैं, और जो और बचे हैं उनके लिए एक एक आदमी पर 3-3 टीम गठित करके, और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है, जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है, और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। बलिया में गोलियां चली तो उसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। मायावती ने यूपी सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दे डाली, तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि BJP नेता पुलिस के सामने हत्या करके फरार हो गया। बलिया में एक हत्यारे की मदद इसलिए हो रही है कि वो एक जात विशेष का है। योगी जी, आपका जाति चेहरा सामने आ गया है, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि संत के नाम पर एक जातिवादी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, और किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके लिए प्रदेश की सरकार, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी, बहुत सीरियस हो।
अभी हाथरस कांड की तपिश झेल रही योगी सरकार अब बलिया पर घिर गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। बलिया में पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो जाना गंभीर सवाल उठाता है।